मित्रों, बहुत दुख के साथ आज हम आपके समक्ष आए हैं घोर निंदा करने के लिए विपक्ष के नेता और उनके कुछ सांसदों के शर्मनाक व्यवहार के ऊपर जो आज देखने को मिला। ये लोकतंत्र का मंदिर है, इट इज द टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी। इसमें जिस प्रकार से बहुत ही ओछे तरीके से बैनर को लगाकर नारेबाजी कर जो देश और जनता के समक्ष विपक्षी दलों के नेताओं ने अपना व्यवहार और संसद की गरिमा और संसद की प्रतिष्ठा को जिस प्रकार जिस स्तर पर गिराने की कोशिश की है, उससे आज पूरा देश दुखी है। संसद के सभी देखने वाले विद्वान लोगों में और देश की युवा पीढ़ी में जो संसद के प्रति भाव पैदा होगा, उससे हम सभी को चिंता है। और मैं समझता हूं कि पूरे संसद का, पूरे सदन का आज विपक्ष ने फिर एक बार अपमान किया है। मुझे लगता है जब कोई व्यक्ति या कोई दल के पास कोई शब्द ना हो, कोई लेग स्टैंड करने के लिए अपने विषय के ऊपर कोई ठोस बात ना हो, एक वीक विकेट पे कोई खड़ा हो, तभी इस प्रकार के हल्के कारनामे सुर्खियों में बने रहने के लिए विपक्ष आज कर रहा है। इसी के साथ साथ राज्यसभा के माननीय अध्यक्ष चेयरमैन साहब ने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। बहुत दुर्भाग्य है कि कुछ प्रमुख विपक्षी दलों ने उसका बॉयकॉट किया, उसमें सहभाग्य नहीं हुए। और जो माननीय चेयरमैन ने कोशिश की कि समाधान किया जाए और सदन ठीक से चलाने के लिए सभी लोग मिलकर कुछ फैसला करें, उनका भी अपमान फिर एक बार आज विपक्षी दलों ने किया। और ये बार बार अपमान जो चेयरमैन का, चेयर का, पीठासीन अधिकारियों का किया जा रहा है, ये मैं समझता हूं देश बर्दाश्त नहीं करेगा। कोई देशवासी इसको पसंद नहीं करेगा। पहले विपक्ष के एक सीनियर लीडर ने, जो कम्युनिकेशन इंचार्ज है कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने एक वक्तव्य देके चेयरमैन के ऊपर बहुत ही गंभीर आरोप लगाया। 9 मार्च को जिस प्रकार से जयराम रमेश जी ने चेयरमैन के ऊपर बहुत ही अनाप शनाप गैर जिम्मेदार आरोप लगाए, उसके बाद जो विपक्ष के नेता है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, उन्होंने जिस प्रकार से कुछ दिन पहले चेयरमैन के आग्रह पे कि वो आके चेयरमैन को मिले, सदन में हाउस के अंदर ठुकरा दिया और अनाउंस कर दिया कि मैं रिफ्यूज करता हूं चेयरमैन को जाके मिलने, आज की मीटिंग का बॉयकॉट कर रहा है। ये बार बार जो चेयरमैन का अपमान करने की विपक्ष की कोशिश हो रही है, ये भी निंदनीय है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में विपक्ष आज सदन को, सदन की गरिमा को ले आए। स्पीकर लोकसभा ने भी एक सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। उन्होंने आग्रह किया कि दोनों पक्ष, सत्ता दल और विपक्ष, दोनों अपने अपनी बातों को सदन के बाहर रखें और सदन की कार्यवाही को स्मूथली चलने दें। माननीय प्रहलाद जोशी जी, संसदीय कार्य मंत्री, ने स्पीकर का सम्मान करते हुए क्या जो निर्णय, जो आग्रह स्पीकर ने किया है, उसको हम सभी ने मान्य करना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि कांग्रेस और उनके मित्र पक्ष डीएमके जैसे, उसके लिए भी तैयार नहीं हुए और उन्होंने स्पीकर के भी
आग्रह को, स्पीकर के अपील को, रिक्वेस्ट को नकार कर दिया। मैं समझता हूं इससे स्पष्ट हो गया कि विपक्ष, खासतौर पे कांग्रेस, डीएमके और जो उनके सहयोगी दल हैं, वो हाउस चलाने नहीं देना चाहते। उनकी मंशा कुछ और है। कोई सरकार पे आरोप ना होने के बावजूद वो गैर जिम्मेदार वक्तव्य और बेबुनियाद आरोपों के आधार पर सदन को ना चलने देने की मंशा से आए हैं। शायद एक बहुत बढ़िया बजट माननीय वित्त मंत्री जी ने माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में जो पेश किया, जिससे पूरे देश और विश्व में आज भारत का बोलबाला है, भारत की प्रशंसा की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आज पूरा विश्व सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में देख रहे हैं। पूरे विश्व की आशाएं अपेक्षाएं मोदी जी के नेतृत्व पे टिकी है कि वो विश्व की समस्याओं का भी समाधान निकाल पाएंगे। ऐसी परिस्थिति में विपक्ष, उनके नेतृत्व की गुणगान जो हो रहे हैं देश में और पूरे विश्व में, जो तीन पूर्वांचल के राज्यों में भारतीय जनता पार्टी और हमारे सहयोगी दलों की सरकारें फिर से चुन के आई है, इन सब परिस्थितियों को देखते हुए शायद विपक्ष सदन की कार्रवाई में बाधाएं डाल के देश को गुमराह करने की जो कोशिश कर रहे हैं। हमारा विश्वास है कि देश इसको फिर एक बार विपक्ष को इसका पूरी तरीके से जवाब आने वाले दिनों में देगा। धन्यवाद। वेलकम टू के मॉल, अ प्रीमियम प्रोजेक्ट बाय कलीम ग्रुप। K-Mall is in the heart of Kolkata's electronic, garment and lifestyle hub, Khidirpur. K-Mall, which is designed as a world-class mall, is the outcome of endless effort of our experts, combined with modern superb techniques and new-age design.